नमस्कार, आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी के लिए शुभकामना, शुभेच्छा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज जो जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जायफल से जुड़े दो तीन उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जायफल के इन उपायों से आप आपके जीवन की एक नहीं अनेक समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अनेक परेशानियों को कम कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, जायफल सभी के रसोई घर में होते हैं, रहता ही है जायफल, और बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है जायफल। जायफल में औषधीय गुण भी इतने हैं, कुछ दवाइयाँ बनाने में भी जायफल का प्रयोग किया जाता है, कुछ तांत्रिक प्रयोगों में भी जायफल को लिया जाता है। मगर आज जो उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये उपाय तांत्रिक नहीं है, सात्विक है, पवित्र है और प्रभावी है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई भी राशि है, आप कोई भी प्रांत से है, कोई भी धर्म से है, आप ये प्रयोग अवश्य करें। वैसे तो दोस्तों, जायफल के ऊपर राहु का पूरा प्रभाव जायफल के ऊपर रहता है, जायफल का सीधा संबंध राहु से है। मगर सूर्य के कुछ उपाय में, बृहस्पति के कुछ उपाय में, शनि के कुछ उपाय में जायफल लिया जाता है। तो पहले भी बोला, दोबारा भी बोलता हूँ कि एक नहीं अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए जायफल के प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, अपेक्षा रखता हूँ, छोटी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप करे देखे, भगा भगा के ना देखे वीडियो को। 5 मिनट मेरे साथ बने रहे। जो भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप ऐसी जानकारी में रुचि रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाए, परिवार से जुड़ जाए। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम, जय श्री राम आप अवश्य लिखेंगे। लाइक करें, डिसलाइक करें, आपकी मर्जी की बात है। मगर दोस्तों, जय श्री राम लिखे बिना आप वीडियो बंद नहीं करेंगे, चैनल को छोड़ के नहीं जाएंगे। जो भाई बहन ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे पहली विजिट ले रहे हैं, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 8732985130। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आपको समस्या का समाधान चाहिए, व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके रख दें। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वो समस्या का समाधान अब तक पहुंच जाएगा। छोटी फीस लेता हूँ, फीस पे करनी पड़ेगी आपको, निःशुल्क कर रहा था, मगर फालतू के कॉल और फालतू के मैसेज से इतना थक गया था कि मजबूरन मुझे फीस रखनी पड़ी। तो आप मुझे मैसेज करके रख दे, रिप्लाई अवश्य दूंगा, सभी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी। फालतू के मैसेज ना करें, फालतू के कॉल ना करें। आप कहाँ से है वो ना पूछे, मैं गुजरात से हूँ। घर में कोई अशुभ प्रभाव है, वास्तु दोष है, भूमि दोष है। भूमि दोष मतलब जो जमीन के, भूमि के जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन ठीक नहीं है। कोई बुरा प्रभाव घर के अंदर है, कोई नकारात्मक शक्ति है घर में, बुरी नज़र है घर के ऊपर किसी की, आप बुरी नज़र का शिकार हो गए हैं। 3 छोटे छोटे उपाय देता हूँ, इनमें से कोई भी एक चीज से आप परेशान है, ये प्रयोग अवश्य करें। कुछ हद तक आपको राहत अवश्य मिलेगी। 1 दिन में चमत्कार नहीं होगा,
उपाय चालू रखे आप। जो तीसरा उपाय बताऊंगा उससे मैं वशीकरण शब्द प्रयोग नहीं करता हूं, मगर आपकी आकर्षण शक्ति को आप अवश्य बढ़ा सकेंगे। जायफल के कुछ प्रयोग से और मामूली प्रयोग से आपकी आकर्षण शक्ति अवश्य बढ़ेगी। वशीकरण शब्द का प्रयोग मैं नहीं करता हूँ यहाँ। उपाय पहला दोस्तों, बाजार में से एक जायफल लाए, ये उपाय आप शनिवार के दिन करेंगे। आपके ऊपर कर्ज हो गया है, शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, घर में क्लेश बढ़ गया है, परिवार टूटता जा रहा है, आपने आपकी जन्मपत्री अनेक लोगों को बताई है, सबकी अलग अलग राय है। दोस्तों उपाय करके देखें, लगातार 9 शनिवार तक उपाय करके देखें, कुछ नुकसान नहीं होगा, लाभ अवश्य मिलेगा आपको, फायदा अवश्य होगा। शनिवार की शाम को दोस्तों ये प्रयोग, शनिवार की रात शाम को सूर्यास्त के बाद 1 घंटे के बाद करेंगे आप। सूर्य अस्त हो जाए बाद में 1 घंटे के बाद आपको ये प्रयोग करना है। आप जहाँ रहते हैं, जिस प्रांत में रहते हैं, आप कैलेंडर में देख सकते हैं कि सूर्य अस्त कितने बजे हो रहा है, तो 1 घंटे के बाद आप ये प्रयोग करें। आपके हाथ पैर मुँह धो लें, एक जायफल लेके उठ के पाउडर कर ले जायफल का। अब जो पाउडर हुआ है 2 हिस्से में बांट दें, एक जायफल का आपने पाउडर किया 2 हिस्से में बांट दें, पूड़ी बना ले, 2 छोटी छोटी पूड़ी आपको बनानी है। अब एक पूड़ी संभल कर घर में रख दें, ये पूड़ी अब दूसरे शनिवार लेंगे। दूसरी पूड़ी है उसे 3-4 टिकिया कपूर की जलाए, अगर आपके पास है तो टिकिया के ऊपर 1-1 बूंद सरसों के तेल की लगाई। दोस्तों सटीक प्रयोग है, इतना सटीक है कि आपने सोचा नहीं होगा ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा। 1-1 बूंद सरसों की तेल की लगाई, सरसों का तेल नहीं है तो आप जो भोजन में लेते हैं, जो आपके रसोई घर में है, वो तेल की 1-1 बूंद लगाए, मगर तेल अवश्य लगाए। टिकिया को जलाए, कोई भी लोहे की छोटी कटोरी में इस टिकिया को आप जलाए। जब कपूर जलने लगे बाद में, जो एक जायफल के आपने कूट के पाउडर किया था और 2 हिस्से में बांट लिया था, आधा पाउडर उस जलते हुए कपूर में डाल दें। एक धुआं उठेगा, एक खास खुशबू आएगी आपको। अब इस कटोरी को आपके पूरे घर में धुएं को दिखाएं, कटोरी को लेके पूरे घर में अब चक्कर लगाएंगे, पूरे घर में इस धुएं को दिखाएं। अगर फिर भी जलता है कपूर, धुआं निकलता है, तो आपकी पूजा कक्ष में साफ सुथरी जगह पे, पवित्र जगह पे इस कटोरी को रख दे, जल जाने दे पूरे पाउडर में। ये प्रयोग आप लगातार 9 शनिवार तक करेंगे। उपाय दूसरा, राहु की वजह से आपके जीवन में समस्याएं बढ़ गई है, खासकर सूर्यास्त के बाद उदासी बेचैनी बढ़ जाती है, कोई बुरी खबर आती है सूर्यास्त के बाद आती है, घर में क्लेश होता है सूर्यास्त के बाद होता है। दोस्तों ये प्रयोग आप कर सकते हैं तो हर दिन करें, नहीं तो शनिवार के दिन एक दिन ये प्रयोग अवश्य करें। एक जायफल पीसकर एक डिब्बी में या तो बोतल में भर के रख दे पाउडर को, 1 चुटकी जितना पाउडर हर दिन नहीं कर सकते तो शनिवार के दिन आपके स्नान के पानी में डाल दें। मैं तो ये कहता हूँ कि हर दिन थोड़ा जायफल का पाउडर आपके स्नान के पानी में डाल दें,
चार्ट में राहु ठीक नहीं है, चंद्र के साथ राहु है, ग्रहण योग बना रहा है, सूर्य के साथ राहु है, शनि राहु साथ में बैठे हैं, बार बार काम में विघ्न आ रहा है, बाधाएं आ रही है, कोई काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, बनाए हुए काम बिगड़ जाते हैं। दोस्तों ये प्रयोग आप अवश्य करें। अब प्रयोग तीसरा, इस प्रयोग से आप आपकी आकर्षण शक्ति जो है वो अवश्य बढ़ेगी। एक जायफल को पीस लें, जितना जायफल का पाउडर हुआ है उतनी उसमें हल्दी डालें, कांच की बोतल में भर के रख दें या तो डिब्बी में भर के रख दें, हर दिन सुबह स्नान करने के बाद हल्दी और जायफल का जो पाउडर मिक्स करके आपने रखा है उसमें से एक छोटी चम्मच में थोड़ा उस पाउडर को निकालें, तीन चार बूंद गंगा जल की डालें। दोस्तों आसानी से बाजार में पूजा का स्टोर जहाँ रहता है वहाँ से गंगा जल की बोतल, छोटी बोतल 20-25 रुपये की बोतल आपको मिल जाएगी। अब माचिस की तिल्ली से तिल्ली के ऊपर रुई लपेट दे, थोड़ा रुई से यहाँ अपने आज्ञा चक्र के ऊपर यहाँ ललाट में एक छोटा तिलक करें, एकदम बारीक तिलक करना है, दूर से किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि यहाँ तिलक किया है। वैसे तिलक दिखाई भी नहीं देगा, आप तिलक करके देखें, तिलक आपकी स्किन जैसा कलर हो जाएगा, तिलक का तिलक करेंगे तो आपकी स्किन जैसा ही कलर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रयोग से आप दूसरे को जो आपकी बात मानते नहीं हैं आपकी बात मनवा सकते हैं। कहीं भी जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, आपके बिजनेस के व्यवसाय के स्थल पे है, नौकरी के लिए आप जाते हैं, आपके व्यवसाय के स्थल पे बैठते हैं, दुकानदार हैं आप, ये तिलक करके बैठे दोस्तों, थोड़ा समय ये उपाय करके देखें, जीवन में आने वाले बदलाव को देखें। दोस्तों एक भी उपाय ऐसा नहीं है कि आपको फायदा ना हो, भरोसा रखें, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। सर्वदा सर्वत्र महादेवाय नमः। धन्यवाद। वंदे मातरम।